नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। देशभर में लोकसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी मैदान में अपनी ताल ठोक रही हैं और ऐसे में तमाम जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से वोट की अपील करते हुए तमाम राजनेता चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल पहले दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के शुरुआत से ही घिरी रही और ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। नोएडा की सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप पर पहले पेट्रोल भरवाने को लेकर विधायक अमानतुल्ला के बेटे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की। इतना ही नहीं, अपने विधायक पिता को फोन करके मौके पर बुला लिया। आरोप है कि दो गाड़ियों में भरकर आए समर्थकों के साथ विधायक अमानतुल्ला खान ने वहां मौजूद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को धमकी दी। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, नोएडा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान और उनके बेटे के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरोप है कि पिता पुत्र ने पेट्रोल पंप पर गुंडागर्दी की थी। अमानतुल्ला के बेटे ने पेट्रोल पंप पर मारपीट की और इसके बाद विधायक अमानतुल्ला मौके पर पहुंचे और उन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को धमकी दी। दिल्ली के आप विधायक अमानतुल्ला खान के बेटे ने पंप में दबंगई दिखाते हुए वहां मारपीट की। घटना सेक्टर 95 स्थित पेट्रोल पंप की है। वहां कार में पेट्रोल भरवाने को लेकर अमानतुल्ला खान के बेटे की पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से बहस हो गई। इसके बाद उसने मारपीट की और गुंडागर्दी भी की। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।